हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, रॉस और सेल्स। उसके बाद पॉल्यूशन एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा हवा, पानी, इंसेक्ट भाग लेंगे। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, कैसे फूल फल बनता है, फूल से फल कैसे बनता है। उसके बाद सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो सीड्स फिर से कैसे जर्मिनेट हो जाता है, फिर से वो कैसे पौधे बन जाएंगे। ये सारी चीजों को हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच। Hi viewers, today we are going to discuss about the class 6 biology, in which we will study the flower. इस चैप्टर में सीखेंगे इंट्रोडक्शन, फ्लावर कहते किसे हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें पार्ट्स कितने होते हैं, फिर टाइप्स फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स, पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, द फ्रूट, द सीड, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जर्मिनेशन। यू नो द फ्लावर, हम अपनी गार्डन में देखते हैं रंग बिरंगे फूलों। आखिर फूल हम लोग करते किसके हैं? लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दैट। व्हाट इज फ्लावर? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर करते हैं। अ फ्लावर इज ब्राइटली, अ फ्लावर इज ब्राइटली colored and the most attractive part of the plant. It is also the reproductive organ of the plant. It helps in the formation of formation of fruit. इस चैप्टर को स्टडी करने का जो हम लोग का मेन मकसद है वो है कि कैसे कोई फूल से, कैसे कोई फ्लावर से फ्रूट और फ्रूट से फिर प्लांट बनने की जो प्रक्रिया है इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग यहां पे क्या सीख रहे थे? तो इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर की बात कर रहे थे। तो फ्लावर है क्या? फ्लावर जो है एक ब्राइटली कलर्ड और ये प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। प्लांट का क्या होता है? सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। जो फूल होते हैं वही प्लांट के क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जो फूल है वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और इसी से क्या होता है? फूल से क्या बनते हैं? फूल से फल बनते हैं। जैसे अगर हम देखें इसका, तो फूल से क्या बनते हैं? फ्रूट, और फ्रूट में क्या लगते हैं? सीड, और सीड फिर क्या होता है? जर्मिनेट करता है, और उसके बाद फिर से वो प्लांट में तब्दील होता है। तो यही प्रक्रिया क्या होती रहती है? चलती रहती है। अगर देखा जाए तो हम एक साइकिल भी कर सकते हैं। सीड से फिर क्या बनेगा? सीड से फिर ये बनेगा प्लांट, प्लांट में क्या लगेगा? फ्लावर, फ्लावर से फिर फ्रूट, फ्रूट से फिर क्या? सीड। तो ये क्या होते रहता है? साइकिल बनते रहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर में हम देखेंगे क्या कि फूल में होते क्या क्या है। तो पहला चीज हम जानते हैं कि फूल में चार रिंग होते हैं, जिसको होरल के नाम से जानते हैं। चार रिंग होते हैं। पहला रिंग, ये फ्लावर को आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लावर को आप देख पा रहे होंगे
इसमें क्या होते हैं, चार रिंग होते हैं, पहला, दूसरा, और इसके अंदर, इसके अंदर देखेंगे आप तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है वो भी क्या है, फ्लावर का एक पार्ट है। ये साइड में देख रहे होंगे येलो कलर का जो है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम देखते क्या है, अगर हम रोज का ले फूल, रोज का फूल ले तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो बीच वाला पार्ट है वो साइड वाला पार्ट से क्या है, थोड़ा मोटा है, थोड़ा मोटा है। तो हम देख रहे हैं क्या, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फ्लावर की स्ट्रक्चर है। ये फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम जानेंगे और इसका नाम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या क्या है। तो आइए सीखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और इसके पार्ट को देखते हैं कि इसका नाम क्या क्या होता है। तो ये क्या है, फ्लावर का एक सिंपल सा हमने डायग्राम खींचा है। आइए इसका नामकरण करते हैं, उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल फूल से आपको सारी चीज को इंडिकेट करके मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, ये जो हम किसी फूल को पकड़ने के लिए जो लास्ट का जो पार्ट यूज करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। जिसके द्वारा मैं पकड़ा हूं फूल का वह पार्ट जिससे हम क्या कर रहे हैं, उसे पकड़ के रख रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक, या फिर उसको कहते हैं पेडिकल, PEDICEL, पेडिकल। और इसको अगर हिंदी देखे जाए तो इसको कहते हैं डंडल, इसको क्या कहते हैं, डंडल। उसके बाद जो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फूल में हम क्या देखते हैं कि ये ग्रीन जो पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्रीन पार्ट को हम लोग कहते हैं सेपल, इसको क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। और सेपल को और एक नाम से जाना जाता है, कैलिबर्स के नाम से जानते हैं। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है जो आप देख रहे पा रहे होंगे, ये जो नीचे जो लटका हुआ पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। फिर ऊपर उधर बढ़ते हैं तो ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको चारों तरफ, ये फूल, उसको हम लोग कहते हैं पेटल्स, पेटल्स। और पेटल्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं फ्लोरल, पेटल्स को। और इसका हिंदी क्या होता है, पंखुड़ी कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो फूल के बीच में आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको दिखाया था कि फूल के बीच में ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं लाइन, और लाइन के ऊपर छोटा छोटा जो है वो येलो कलर का जो पार्ट लगा हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये छोटे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। और इसके ऊपर जो येलो पार्ट जो लगे रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंथर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। फिर एक बीच में जो मोटा जो पार्ट होता है मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये जो बीच में जो मोटा पार्ट आप लोग देख रहे हो उनको, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बीच में जो मोटा पार्ट है तो ये वाला पाइप को, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं स्टाइल, और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहा जाता है। फिर हम बीच वाले पार्ट को देखते हैं, ये बीच वाले पार्ट में, उसके बाद हम देखते क्या है कि जो नीचे जहां पे ये क्या किया रखा हुआ है,
ये होल्ड करके जो रखा हुआ है, ये मोटा वाला जो पार्ट है, ये मोटा वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं। इस मोटे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं। इस मोटे वाले पार्ट को जो फ्लावर का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो स्टॉक से जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं। फिर हम बीच वाले भाग पर को देखते हैं, तो ये वाला साइड जो है, जो खाली जगह दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और इसके जो बीच में जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। तो यही स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, फ्लावर का यही स्ट्रक्चर होता है। और ओव्यूल का मतलब अगर हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है बीजाणु, इसका मतलब होता है बीजाणु। थैलमस का मतलब होता है चेतक, थैलमस का मतलब चेतक। तो हमने क्या देखा, फ्लावर में देखते हैं तो जिस भाग से हम फ्लावर को पकड़ते हैं उसको कहते हैं स्टॉक या फिर पेडिकल। फिर ऊपर वाला ग्रीन जो पार्ट दिख रहा है, ये पत्ते जो ग्रीन कलर का जो दिख रहे हैं, उसको हम लोग सेपल कहते हैं या कैलेक्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारा रेड कलर होता है, मतलब फ्लावर का जो रंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेटल्स, जिसको बोलते हैं पैंकुलेट, पंखुड़ी। फिर ऊपर जाते हैं तो छोटा छोटा जो पार्ट दिखता है या लाइन, उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। और उसके ऊपर जो येलो कलर का जो पार्ट लगा हुआ रहता है गोल, उसको हम लोग कहते हैं एंथर। जो बीच वाला पार्ट है उसके ट्यूब को कहते हैं हम लोग स्टैल। और जो बीच वाले पार्ट के ऊपर वाली जो भाग है उसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा। फिर फूल के बीच में, फूल के बीच में हमें मिलता है क्या है, फूल के बीच में हमें मिलता है ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या मिलता है हमको, ओव्यूल। थैलमस किसको कहते हैं, जहां पे स्टॉक जो है वो फ्लावर से जो जुड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये स्टॉक यहां पे आके खत्म हुई, उसके बाद ये क्या हो गया, थैलमस स्टार्ट हुआ। इसके बाद ये सेपल है, उसके बाद जो कलरफुल आएंगे फ्लावर्स आते हैं उसको हम लोग पेटल्स कहते हैं। पेटल्स के बाद में जो बीच वाले पार्ट आते हैं उसमें जो पतला सा लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और उस पतली लाइन के ऊपर जो लगा हुआ भाग होता है गोल, उसको हम लोग एंथर कहते हैं। उसके बाद सबसे बीच में जब हम जाते हैं फूल के बीच में, तो वहां हमको मिलता है जो ट्यूब लाइन मिलता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और उसके ऊपर जो भाग होता है सबसे ऊपरी भाग, उसको कहते हैं स्टिग्मा। फिर फूल के बीच वाले भाग को जो अंदर में होती है, जो स्टाइल से जुड़ी होती है, उसे हम लोग कहते हैं ओवरी। और ओवरी के बीच में हमें मिलता है क्या, ओव्यूल। तो ये हमारा फूल का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आइए इसके बारे में एक एक करके जानना शुरू करते हैं, सारा का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ना तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट, प्लांट का दो भाग होता है, एक जमीन के अंदर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रूट, और जो जमीन से ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं शूट। जो जमीन के नीचे रहता है उसको रूट, और जो जमीन से ऊपर होता है उसको शूट। तो शूट में क्या क्या हम लोग देखते हैं, शूट में क्या देखते हैं, तो स्टेम देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, लीव्स देखते हैं, ब्रांचेस देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, फ्रूट देखते हैं, ये सारा चीज का हम लोग देखते हैं शूट में। आइए हम इसके बारे में पहले देखते हैं। तो हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहता है द फ्लावर अटैच टू, फ्लावर इज, द फ्लावर इज अटैच टू द शूट, अटैच विद शूट। ये शूट से क्या होता है, तो मैंने अपनी अभी भी आपको बताया कि किसी प्लांट का दो भाग होता है, नीचे वाले भाग को जो जमीन के नीचे रहता है उसको हम लोग कहते हैं रूट, और जो ऊपर वाले भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। तो फ्लावर हमें कहां मिलेगा, शूट में मिलेगा। द हेल्प ऑफ द हेल्प ऑफ पेडिकल, पेडिकल किसको हम लोग बोल रहे हैं, तो स्टॉक को बोल रहे हैं, स्टॉक को बोल रहे हैं जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं नीचे वाले पार्ट को। और स्टॉक, और स्टॉक एंड एंड द पार्ट
and the part where the flower is based upon is a FLAWTENED flattened structure, a structure known as the thalamus. तो देखिए ये हमारा क्या है, जिसके सहारे मैं इस फूल को पकड़ा हुआ हूं, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। और स्टॉक जहां पे अंत होती है उसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थैलमस के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या जानते हैं, थैलमस के नाम से जानते हैं। और थैलमस के ठीक ऊपर क्या मिलेगा आपको, सेफल मिलेगा। थैलमस के ऊपर ठीक क्या मिलेगा आपको, सेफल मिलेगा। आइए देखते जाए द पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखते हैं। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखते हैं हम लोग, द पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखते हैं द पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोग देखें तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के चार भाग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के चार भाग होंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैलेक्स। और कैलेक्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इसको सेपल भी बोलते हैं हम लोग, सेपल। उसके बाद हम लोग देखते हैं करोला। करोला को क्या बोलते हैं, पेटल। इज द मोस्ट स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द प्लांट, करोला, पेटल। नाउ एंड्रोसियम पढ़ेंगे इसमें, एंड्रोसियम के दो पार्ट पढ़ेंगे इसमें, एंड्रोसियम के दो पार्ट पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे गैनोसियम, फिर पढ़ेंगे इसमें गैनोसियम। और गैनोसियम के पढ़ेंगे कितने पार्ट, गैनोसियम के तीन पार्ट पढ़ेंगे। तो एंड्रोसियम में दो पार्ट पढ़ेंगे, एंड्रोसियम में कौन कौन से पढ़ेंगे, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। गैनोसियम में क्या पढ़ेंगे, गैनोसियम में पढ़ेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी। अगर हिंदी देखा जाए तो सेपल का मतलब होता है पंखुड़ी, पेटल्स का मतलब होता है दलपुंस, दलपुंस। फिर एंड्रोसियम को कहते हैं हम लोग पुंकेसर, गैनोसियम को कहते हैं हम लोग जयांग, जयांग। एंथर, एंथर मतलब होता है पराग सहित, पराग सहित पुंकेसर। फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब रेशा या ट्यूब। स्टिग्मा, कलंक को कहते हैं स्टिग्मा। स्टाइल, बनावट। ओवरी, ओवरी इज कॉल्ड द अंडाशय। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स इज डिवाइडेड इनटू फोर। इसके पहले हमने देखा क्या, थैलमस के बारे में। थैलमस कहां से, तो स्टॉक जहां पे खत्म होती है, स्टॉक जहां से खत्म होती है और जहां से फ्लावर का निकलना स्टार्ट होता है, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये अगर मान लें कि हम स्टॉक है, तो ये वाले जो पार्ट है जहां से फ्लावर निकलना स्टार्ट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं। और थैलमस के बाद क्या निकलता है, सेपल। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने देखा क्या, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को चार भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके कितने पार्ट्स है, चार।
पहला देखते हैं पंखुड़ी पढ़ते हैं हम लोग, दलपुंज पढ़ते हैं, एंडोस्टेम मतलब पुंकेसर पढ़ते हैं, और गैनो सेम पढ़ते हैं जिसको जायम कहते हैं। पुंकेसर को फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं जिसमें एंथर और फिलामेंट पढ़ते हैं। एंथर का मतलब होता है पराग सहित पुंकेसर और फिलामेंट का मतलब होता है रेशा। फिर जायम में हम लोग तीन भाग पढ़ते हैं इसमें, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टिग्मा कलंक स्टाल बनावट और ओवरी मतलब अंडाशय। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसमें फ्लावर का काम क्या होता है, ये कैसे हेल्प करता है फ्लावर को होने के लिए, या फिर इससे इससे क्या मतलब है, इससे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इज परफॉर्म बाय दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेपल पंखुड़ी। Cats. It's called petals. No, sepal. It's called sepal. इसका मतलब हो गया क्या? पंखुड़ी का भाग। आइए देखते हैं क्या। तो this is the first and the outermost. And the outermost hor. Hor मतलब मैंने आपको बताया कि किसी भी फ्लावर में चार रिंग होते हैं, किसी भी फ्लावर में चार रिंग होते हैं। थैलमस के बाद पहला रिंग जो होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, थैलमस के बाद जो पहला रिंग होता है वो हमारा सेपल का होता है। सेपल के बाद कौन सा रिंग मिलेगा, मतलब इस तरह से गोल होते हैं वो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो बाहर वाला जो पार्ट होता है, बाहर वाला जो रिंग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, सेपल के नाम से जानते हैं। तो सेपल हमारा बाहर का भाग हो गया। उसके बाद अंदर जो कलर पार्ट होती है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। तो दूसरा पार्ट हो गया है। फिर तीसरा पार्ट में क्या आएगा, तो तीसरा पार्ट में हमारा आएगा फिलामेंट और एंथर। ये वाला पार्ट, ये भी गोल होता है, देखिए चारों तरफ से है फिलामेंट और एंथर। उसके बाद लास्ट में स्टिग्मा वाला पार्ट आता है। लास्ट में क्या आता है, स्टिग्मा और ओवरी वाला जो ट्यूब होता है वो भी हमारा गोल। तो उसको हम लोग क्या से इंडिकेट कर रहे हैं, हॉर्न से। तो किसी भी फ्लावर में कितना होता है, चार होते हैं, और सबसे आउटर मोस्ट जो होता है वो होल्ड होता है, और सबसे इनर मोस्ट जो होगा वो स्टिग्मा वाला होगा, राइट ऑफ अ फ्लावर। इट इज मेड ऑफ अ टिनी ग्रीन leaf like a structure, tiny leaf like a structure known as sepal, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, sepals कहते हैं। इट मे बी कलर्ड। ऐसा नहीं कि सारे फ्लावर के जो सेपल्स होंगे, जो नीचे वाला जो पार्ट होगा, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ग्रीन ही हो सकता है, और भी दूसरा कलर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लावर में हम लोग पाते क्या है कि ये ग्रीन ही होता है। तो आपने देखा क्या कि ये लाइन जो दिख रहा है, जिसे मैं पकड़ा हुआ हूं इस फ्लावर को, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। उसका जहां पे एंड हो रहा है, जहां से फ्लावर स्टार्ट होगी, उसको कहते हैं थैलमस। और थैलमस के बाद आपको क्या मिला, सेपल। और सेपल के बाद, तो सेपल का और क्या काम है देखते हैं। तो कैलस इंक्लूसेस द बर्ड मतलब कली ऑफ द फ्लावर दस इसीलिए इसको क्या कहते हैं, It protects the bird before it opens। मतलब फूल खिलने से पहले क्या कहता है, वो जो ऊपर का जो सेपल देख रहे
पेटल्स देख रहे हैं, तो सेपल उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कुछ लाइक दैट। यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो सेपल है वो पेटल्स को क्या करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जब तक फूल खिलता नहीं है तब तक सेपल क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहता है। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखते हैं पेटल्स के बारे में। पेटल्स के बारे में पढ़ेंगे तो पेटल्स को और किस नाम से जानते हैं, क्रोला के नाम से जानते हैं, और इसका मतलब होता है दलपुंज। इसका मतलब होता है दलपुंज। ये है क्या, आइए देखते हैं। तो दिस इज द सेकेंड, दिस इज द सेकेंड रिंग। तो ये दूसरा रिंग आ गया। पहला रिंग में हम लोग क्या पढ़े, सेपल के बारे में पढ़े। दूसरा रिंग हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, पेटल्स। दैट लाइज इनर टू सेपल। ये क्या होता है, सेपल के बाद वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज ब्राइटली कलर्ड petals and may bear fragrance. They may contain nectar glands as well. Petals, frond, the reproductive organ. Reproductive organ of the flower and protect them Petals कैसे होते हैं, तो petals हम लोग जानते हैं कि flower का दूसरा रिंग होता है, और वो कैसे होते हैं, तो कलर्ड होते हैं, ब्राइटली कलर्ड के होते हैं। ब्राइटली कलर्ड के होने के बावजूद और इसके पास क्या होता है, फ्रेगेंस के बावजूद एक और इसके पास ग्लैंड होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर। ये फ्रेगेंस और नेक्टर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये पॉलिनेशन में फूल का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर फूल में फ्रेगेंस और नेक्टर नहीं होगा तो कोई भी, जैसे हम मधुमक्खी की बात करते हैं, तितलियां की बात करते हैं, ये सब फूल पे नहीं आएंगे, और ये फूल पे नहीं आएंगे तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनेशन के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं जान पाएंगे। जैसे हम हनी का प्रयोग करते हैं तो हम जानते हैं कि हनी का प्रयोग करते हैं तो हनी आती कहां से है, तो फ्लावर से आती है। तो फ्लावर से आने के लिए क्या करता है फ्लावर, तो फ्लावर को ब्राइटली कलर के साथ साथ फ्रेगेंस और नेक्टर भी होनी चाहिए उसमें। अगर नेक्टर नहीं होगा तो हनी भी जो है वो फ्लावर तक नहीं पहुंचेगी। फ्लावर तक पहुंचने के लिए हनी भी को क्या मिलना चाहिए, फ्रेगेंस मिलना चाहिए, उस फूल की महक मिलनी चाहिए, तभी वो जाके क्या करेगा, उस फूल के पास जाएगा, उसके बाद वो नेक्टर वहां से क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो पेटल्स कैसे होते हैं, पेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, और ये सेपल के बाद दूसरा रिंग होता है, सेपल के पास दूसरा रिंग होता है, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और क्या उसमें है,
तो फ्रेगेंस होता है, और फ्रेगेंस के अलावा क्या होते हैं, ये नेक्टर ग्लैंड्स भी कंटेन करते हैं। सारे फ्लावर के पास ऐसा नहीं होता है, नेक्टर ग्लैंड सारे फ्लावर के पास नहीं होता है। जब हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि बिना बिना फ्रेगेंस और नेक्टर के भी कैसे पॉलिनेशन होती है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, पेटल्स का, और इसका क्या काम है फ्लावर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेटल्स का दूसरा काम क्या है, तो इंसेक्ट को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गया, हनी बीज हो गई, राइट, ये सब इंसेक्ट को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब वो आकर्षित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में काम करते हैं। तो पॉलिनेशन में काम करते हैं, जब पॉलिनेशन होती है इंसेक्ट के द्वारा, तभी कुछ फूल जो है वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तब वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, और उसके बाद वो जर्मिनेट करने के, मतलब उसमें फ्रूट और सीड होना शुरू हो जाती है। आइए इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट देखते हैं, एंडोस्टियम के बारे में बात करते हैं। तो एंडोस्टियम में हमने आपको बताया था कि दो पार्ट होते हैं, एक एंथर पढ़ते हैं और दूसरा फिलामेंट के बारे में पढ़ते हैं। एंडोस्टियम के बारे में बात करते हैं, एंडोस्टियम में हम लोग दो देखे थे, इसमें हम लोग दो पार्ट देखे थे, एक का नाम था फिलामेंट और दूसरा का नाम था फिलामेंट और दूसरा का नाम था एंथर, दूसरा का नाम था एंथर। तो मैंने आपको बताया ये क्या हो गया, तो ये तीसरा रिंग होगा, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे देख पाएंगे आप, तो पहला ये सेपल के बारे में हमने पढ़ा जो थैलमस से जुड़ी हुई है, उसके बाद हमने पेटल्स के बाद जो ग्रीन कलर के जो ब्राइटली होते हैं उसको पेटल्स कहते हैं, उसके बाद ये जो पतली लाइन दिख रही है और पतली लाइन के ऊपर जो रिंग टाइप की कुछ दिख रही है गोल, वो हम लोग क्या कहते हैं, तो पतली लाइन को हम लोग कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर जो पार्ट है सबसे ऊपरी वाली जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, और ये पतली लाइन और ऊपर वाले पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। इट कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट फिलामेंट लाइक अ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट कंसिस्ट्स ऑफ डेलिकेट फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। इसमें दो पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, और इसी को क्या कहते हैं, नोन एज एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम को एक और नाम से जानेंगे हम लोग, जिसको स्टेमेंस के नाम से जानते हैं, STAMENS स्टेमेंस, राइट। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, फिलामेंट स्ट्रक्चर और एंथर के बारे में, एंथर है क्या, क्या काम करता है, और फिलामेंट का काम क्या है। तो फिलामेंट कहते हैं किसको, है फिलामेंट कहते हैं हम लोग अथीन सिलेंडर स्टॉक known as filament. नंबर टू देखिए, एंथर at its tip, at a
बिलोवीड एंथर एट द टिप ऑफ फिलामेंट, उसी को क्या कहते हैं एंथर। आइए देखते हैं एंथर के पास क्या होता है। द एंथर कंटेन्स येलो पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड द पॉलीग्रेन। द एंड्रोसियम produces pollen grain. तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम क्या है, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में हमने दो चीज देखा, एक एंथर दूसरा फिलामेंट के बारे में। तो एंड्रोसियम को हम लोग क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जब फ्लावर की ओर हम लोग देखते हैं, देखा जाए ये जो फ्लावर हम देख रहे हैं, ये फ्लावर जो देख रहे हैं, जो बीज वाला पार्ट है, जो बीज वाला स्टॉक है, उससे छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉक्स निकले हुए हैं। तो ये जो लाइन दिख रहा है छोटा वाला जो स्टॉक में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर जो येलो पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग एंथर कहते हैं। और एंथर में छोटे छोटे क्या मिलते हैं, पॉलिन ग्रेन्स मिलते हैं। छोटे छोटे क्या मिलते हैं, पॉलिन ग्रेन्स मिलते हैं। और इट इज द पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन, विच टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन। आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा पार्ट कहाँ गिरा हुआ है, पेटल्स पे गिरा हुआ है। तो एंड्रोसियम का काम क्या है, एंड्रोसियम जो है पहला चीज हमने क्या जाना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में दो पार्ट मिलते हैं हम लोगों को, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। तो फिलामेंट किसको कहते हैं, वो पतली से लाइन जिसमें हमारा एंथर मतलब वो येलो कलर का जो पार्ट रहता है, जिसको हम पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर के नाम से जानते हैं। आइए एट लास्ट पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, गैनोसियम के बारे में। गैनोसियम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो गैनोसियम में हम लोग तीन पार्ट पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, जायम कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जायम कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टिग्मा, फिर पढ़ेंगे स्टैम, और एट लास्ट पढ़ेंगे ओवरी। लास्ट पढ़ेंगे ओवरी। तो दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। आइए पहले देख लेते हैं कि ओवरी कहते किसे हैं। ओवरी, उससे पहले तो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में चार रिंग होते हैं, फ्लावर में चार रिंग होते हैं। तीन रिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहला में हम लोग क्या पढ़ें, सेपल पढ़ें, फिर पेटल्स पढ़ें, फिर क्या पढ़ें, एंड्रोसियम के बारे में पढ़ें। अभी जो लास्ट वाला जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गायनोसियम के बारे में पढ़ते हैं। गायनोसियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गायनोसियम के बारे में पढ़ने से पहले देखते हैं ये है क्या। तो इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज द इनर मोस्ट और ऑफ द फ्लावर, ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यह पार्ट फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट्स कंटेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ कार्पेल या फिर इसे हम लोग पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। तो कार्पेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीन पार्ट पढ़ेंगे जिसमें ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल के बारे में जानेंगे। तो गैनोसियम जो है वो लास्ट पार्ट है फ्लावर का। क्या है? सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। और आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा था? आउटर मोस्ट पार्ट जो था हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकल। तो इनर मोस्ट पार्ट है। और ये क्या है? ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये क्या कहलाता है? ये कंसिस्ट करता है कार्पेल को। और कार्पेल में हम लोग तीन पार्ट को पढ़ते हैं ओवरी, स्टाइल और एट लास्ट पढ़ेंगे स्टिग्मा। तो आइए देखते हैं कि ओवरी है क्या। ओवरी इज द swollen part and is the base of the carpel. Swollen and is the base of carpel. Is carpel. आइए ovules के बारे में बात करते हैं। ovules के बारे में बात करते हैं। तो ओवरी कंटेंस एक लगे स्ट्रक्चर, एक लगे स्ट्रक्चर कॉल ओव्यूल। ओव्यूल्स देखा जाए तो ये जो बीच वाला पार्ट है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? गैनोसियम कहते हैं। इसमें तीन पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और ये जो लाइन दिख रहा है जिसपे ऊपर वाला पार्ट स्टैंड करता है, उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। और जहां पे जो स्टाइल जो खत्म होती है, वहां पे हम लोग क्या कहते हैं? उससे वहां पे शुरू हो जाती है हमारी ओवरी। उस फ्लावर की कहा क्या हो जाती है? शुरू ओवरी। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग स्टाइल, और तीसरे जो लास्ट वाली पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी। और ओवरी में हमें क्या मिलता है? ओव्यूल्स मिलता है। ओवरी में ओव्यूल्स मिलता है। और ये कंटेन क्या करता है? एग लाइक स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं स्टाइल के बारे में। स्टाइल है क्या? An extension of the ovary is a long, narrow tube called the stipe. उसी को क्या कहते हैं? स्टाइल के नाम से जानते हैं। आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, स्टिग्मा। एट द टिप ऑफ द स्टाइल इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नोन एज
known as the stigma. Known as stigma. तो हमने आपको बताया कि फ्लावर का चार पार्ट में हम लोग ने पढ़ा. अगर शुरू से देखा जाए, स्टार्टिंग से, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक. जहां स्टॉक खत्म होती है उसको कहते हैं हम लोग थैलमस. थैलमस में ऊपर जाते हैं, ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं उसको हम लोग सेपल. सेपल से थोड़ा ऊपर जाते हैं जो ये रेड पार्ट जिसको पेटल्स कहते हैं. पेटल्स के बाद जो देखते हैं हम लोग ये छोटे छोटे जो पॉलीग्रेन्स दिख रहे हैं आपको, पॉलीग्रेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं. इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और उसके सबसे बीच वाले जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं गैनोसियम. और गैनोसियम में हम लोग तीन पार्ट को पढ़े, जिसमें हम लोग पढ़े ओवरी के बारे में, स्टाइल के बारे में और स्टिग्मा के बारे में. स्टिग्मा कहाँ होगा, टिप पे होगा, स्टाइल के टिप पे. और स्टाइल के सबसे लोअर पार्ट पे कौन सा होगा, वो ओवरी होगी. वो क्या होगी, ओवरी होगी. यहां से हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर्स और पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में जान चुके हैं. अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये. तो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में हम लोग देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कंप्लीट कहेंगे और दूसरा को कहेंगे इनकम्प्लीट. टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर में देखेंगे ये दो तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ फ्लावर कितने होते हैं, ये दो तरह के होते हैं. एक को कहते हैं कंप्लीट फ्लावर और दूसरा को कहते हैं इनकम्प्लीट. तो अब रहा कि कंप्लीट किससे कहते हैं और इनकम्प्लीट कहते किसको हैं, तो आगे देखते हैं कि पहले कंप्लीट फ्लावर कहते किसे हैं. कंप्लीट फ्लावर के बारे में जानते हैं. तो अ फ्लावर दैट हैज ओल्ड फोर होल्स. होल्स तो आपको पता होगा, जिसमें आपको मैंने आपको बताया था सेपल, पेटल्स, सेपल, पेटल्स. फिर हमने देखा एंड्रोसियम एंड गैनोसियम के बारे में. तो ये चार होल्स जिसमें जिस भी फ्लावर में होगा उस फ्लावर को क्या कहेंगे हम लोग, कंप्लीट फ्लावर के नाम से जानेंगे. इट्स कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर. It's called complete flower. Example में देख लेते हैं China rose और mustard. EDC. ये किसके उदाहरण है, ये जो example है वो complete flower की है. तो complete flower किसे कहेंगे, जिसमें चार rings पाए जाएंगे. जिसमें क्या पाए जाएंगे, चार रिंग्स. तो बाहर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सेपल. नंबर टू रिंग्स को कहते हैं हम लोग पेटल्स. पेटल्स. नंबर थर्ड रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम. नंबर फोर को क्या कहते हैं हम लोग, जो लास्ट वाला पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं गैनोसियम के नाम से. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर्स कहेंगे. कंप्लीट फ्लावर्स में चारों होल्स होंगे, चारों रिंग्स होंगे, सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम और गैनोसियम जो होगा, ये चारों पार्ट जिस भी फ्लावर में होगा उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर के नाम से जानेंगे. और आइए देखते हैं हम इसको इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं. तो ये चारों रिंग में से कोई एक भी रिंग भी घटेगा फ्लावर में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से जानेंगे.
incomplete flower. A flower that lacks at least one of the four pearls is called incomplete flower. उसे क्या कहेंगे? Incomplete flower के नाम से जानेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि complete flower में कितने rings होने चाहिए, कितने petals होने चाहिए? चार. कौन कौन से? सेपल का, पेटल, एंड्रोसियम और गैनोसियम का होना चाहिए. लेकिन इसमें से एक भी रिंग, एक भी होल्स कम हुआ तो फूल कैसा हो जाएगा? वो इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से जाना जाएगा. जैसे एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पपाया का फूल और डेट पाम खजूर का देख सकते हैं. आइए देखते हैं स्टारस फ्लावर में अगला देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट के अनुसार फ्लावर के कितने टाइप्स होंगे? तो अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर के दो पार्ट होंगे. अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स According to the reproductive parts, फूल के दो पार्ट टाइप्स होंगे. फूल के कितने टाइप्स होंगे? दो टाइप्स. एक को कहेंगे bisexual फ्लावर और एक को कहेंगे unisexual. तो दो तरह के होंगे according to the reproductive parts के अनुसार. दो तरह के होंगे, एक को bisexual और दूसरा को यूनिसेक्सुअल. आइए देखते हैं बाइसेक्सुअल क्या है. किसका है? तो बाइसेक्सुअल के बारे में देखते हैं. प्लांट्स इन विच बोथ द मेल और And the female reproductive organ are present known as bisexual flower. उसी को हम लोग क्या कहेंगे? bisexual flower कहते हैं. एग्जाम्पल में देख लेंगे rose. आइए तो जिस भी फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव organs जिसमें भी प्रेजेंट होगा जिस भी फ्लावर में, उसे हम लोग कहेंगे बायसेक्सुअल. और दोनों में से एक भी कम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल, या तो मेल या तो फीमेल. आइए देखते हैं यूनिसेक्सुअल किसको कहते हैं. यूनिसेक्सुअल प्लांट्स इन विच Either either the male or female reproductive
पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज प्रेजेंट नोन एज यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल में देख लेंगे, पपाया आपको तुम लोग, पपाया है कुकुम्बर, पपाया है कुकुम्बर, तो ये यूनिसेक्सुअल होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं, जिसमें मेल या फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पाया जाएगा। लेकिन अगर दोनों पाया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे बायसेक्सुअल, और एक पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल के नाम से जानेंगे। आइए देखते हैं कि फंक्शन ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या है फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, पेड़ में फूलों का काम क्या होता है, देखते हैं फंक्शन ऑफ फ्लावर में। फंक्शन ऑफ फ्लावर, द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन, for the formation of seeds as a first stage, as a first step, the pollen grains from the anther, need to be transferred to the stigma of the carpel या pistil। तो function of the flowers में हम देख रहे हैं क्या कि इसका main function होता है क्या, produce करना, तो बीज और फल produce करना होता है, fruit और seed को produce करना होता है, ठीक है। जब reproduction होगा तो reproduction होने के लिए कुछ चरण होंगे, कैसे होंगे, तो जिस भी फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो पॉलन ग्रेन्स होंगे कहां पे, एंथर में, एंडोस्टियम में होंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसे कहां पहुंचाना होगा उनको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तभी जाके फर्टिलाइजेशन शुरू होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा कि पॉलन ग्रेन्स जो एंथर में पाए जाते हैं वो जाना होगा कहां पे, स्टिग्मा में, स्टिग्मा से होते हुए कहां चला जाएगा वो, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइलस में जाएगा, स्टाइल में जाएगा, और स्टाइल से होते हुए कहां चला जाएगा, ओवरी में, और ओवरी में जाके वो फर्टिलाइजेशन का काम करना शुरू करेगा। तो यही है मेन फंक्शन हमारा किसका, तो मेन फंक्शन हमारा फ्लावर्स का है।